चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल ऑफ 10 टर्न्स ईच आर सिचुएटेड इन द सेम प्लेन, देयर रेडियाई आर 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर एंड दे आर कैरिंग रिस्पेक्टिवली 0.2 एंड 0.3 एम्पियर करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड इन वेबर पर मीटर स्क्वायर एट द सेंटर इज कितना होगा। तो सबसे पहली बात, एक प्लेन है ये मान लो, इसमें एक कॉइल ये है, फिगर नहीं ठीक बन रहा है, फिगर थोड़ा ठीक बनाते हैं, ठीक है। तो एक कॉइल ये है, ठीक है, दूसरा कॉइल थोड़ा छोटा है। पहले वाले कॉइल का रेडियस 0.2 मीटर कर लेते हैं, 0.2 आर वन और इसका रेडियस आर टू। आर वन की वैल्यू हम लिख लेते हैं 0.2 मीटर SI में, आर टू की वैल्यू 0.3 मीटर SI में कर दिया हमने। दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें पहले वाले कॉइल में करंट डायरेक्शन ये मान लेते हैं, ये डायरेक्शन है, दूसरे वाले कॉइल में ये मान लेते हैं करंट डायरेक्शन, इसको I1 इसको I2 कर देते हैं। तो पहले वाले कॉइल की वजह से जो पहला वाला कॉइल है उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी B1, और दूसरे वाले कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी सेंटर पे B2। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी सेंटर पे, ये सेंटर पे पूछ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो B1 और B2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो I1 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.2 एम्पियर, I2 की वैल्यू दिया है 0.3 एम्पियर। तो B1 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 10 टर्न्स हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा N1, अच्छा दोनों में सेम है ना, तो NN कर देते हैं, दोनों का इक्वल कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, दोनों को N कर देते हैं, N μ1 μ0 I1 by 2 R1 B2 is equal to N μ0 I2 upon 2 R2। अब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं B1, अच्छा μ0 के टर्म में लिखना है क्योंकि आंसर में μ0, तो μ0 की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, जनरली होती है ना 4π × 10⁻⁷, तो हम पुट नहीं करेंगे। 10 μ0 I1 की वैल्यू है 0.2 डिवाइडेड बाई इंटू 2 R1, R1 की वैल्यू है 0.2। B2 की वैल्यू क्या है, 10 μ0 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.4, करेक्ट है। अब B1 और B2 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा इससे, ये 5 μ0 आया, ये 5 μ0 आया। B2 की वैल्यू कितनी आएगी जरा देखो, तो 5 ही आया, 0.3 by 0.4, ये 3 by 4, 315 μ0 by 4 ऐसे ले सकते हैं। तो B1 की वैल्यू है 5 μ0 और B2 की वैल्यू है 15 μ0 by 4, दोनों में कौन ज़्यादा है, B1 ज़्यादा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगी, और नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, B1 में से B2 से सबट्रैक्ट कर दो। B1 की वैल्यू है 5 μ0 माइनस 15 μ0 बाई 4, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 5 μ0 बाई 4, ये आया नेट मैग्नेटिक फील्ड एट 4 और उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, अगर मैंने डायरेक्शन करंट की ये ली है तो। ये ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट हुआ, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।